हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोज बनाती रहती हूं, और जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो रहते हैं या कि रिलेशनशिप से कोई आपको जानकारी देना होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो मैं रिलेशनशिप के ऊपर नए नए वीडियो भी लाती रहती हूं। ये वीडियो आपको YouTube पर हस्बैंड वाइफ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, वाइफ प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो आज जैसा कि आपको पता है कि मैं लोगों के कमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाती हूँ, लोगों का क्वेश्चन रहता है, लोगों का सवाल रहता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना के जवाब देती हूँ। उसी तरह से आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन निकाला है, स्क्रीन में भी उसे देख पाएंगे। आज का कमेंट है, जो पति दूसरी लड़की से संबंध रखते हैं उनको कैसे अपनी तरफ करें। एक पत्नी का कमेंट आया है जिस पे आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, और वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और अगर आप इसे बिना स्किप किए हुए देखेंगे तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या करें जब पति को हो जाए किसी से प्यार। आजकल पतियों का पराई स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाना आम सी बात होती जा रही है। ऐसे में पत्नियां समय पर सचेत हो जाए तो बहुत कुछ बिगड़ने से बच सकता है। साथ ही वे अपने प्यार, समझदारी, धैर्य व विश्वास से पति को सही रास्ते पर ला सकती हैं। आज के महानगरी जीवन की त्रासदी है पति पत्नी के अपने अपने प्रोफेशन में जरूरत से अधिक ध्यान देना, परिवार का आकर्षण धीरे धीरे कम होना, और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए कम से कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो पति और पत्नी के बीच में एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। इन सबसे ऊपर आज की बिजी लाइफ में जो चीज़ अधिक सेंध लगा रही है वह है जीवन साथी के जीवन में किसी और का आ जाना। किसी तीसरे का आगमन इस बंधन में मुश्किलें पैदा करने के लिए काफ़ी है। अपने जीवन साथी के प्रति बेवफाई करना भी आज आम सी बात हो गई है। जब आपके पति के मन में किसी अन्य महिला के लिए दोस्ती से अधिक की भावनाएं जन्म लेती हैं तो यह वैवाहिक संबंधों में स्लो पॉइजन का काम करता है। इस जहर को अपने परिवार में आने से पहले ही रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ संकेत व बातों पर ध्यान देने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पति किसी दूसरी महिला के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब आपको लगे कि आपके पति के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया है तो समझ लीजिए कि आपके पति के मानसिक और भावनात्मक धरातल पर उथल पुथल मची हुई है। जब आपके प्रति उनके व्यवहार बदल जाए और वह पहले की तुलना में आपसे प्यार से बात ना करे तो समझ जाएं कि यह प्यार कहीं और बांटा जा रहा है। जब आपके पति अचानक खोए खोए से रहने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि उनके मन में आपके अलावा कोई और बस गया है। खुद का जरूरत से अधिक ध्यान रखना भी इस बात का संकेत देता है कि आपके पति को किसी और से प्यार हो गया है। जब आपको लगे कि आपके पति अपनी सेहत का जरूरत से अधिक ध्यान दे रहे और अगर कारण पूछने पर एकदम सही जवाब ना दे पाए तो समझ जाए कि यह सब सजना धजना आपके लिए नहीं है। वह इतने स्मार्ट बनकर किसी और के लिए जाते हैं। कहीं बाहर जाते हुए उनके मन में सुंदर दिखने की चाह का बने रहना, सुबह शाम अपनी पर्सनालिटी को निखारने की कोशिश करना इस बात का संकेत है कि आपके पति आपके अलावा किसी और के लिए अपने को सवार कर रखना चाहते हैं। रोज ऑफिस के नाम से देर से घर आना और पूछने पर हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाना या फिर गुस्सा करना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके पति की जिंदगी में किसी और ने जगह बना ली है। अक्सर घर से बाहर खाना या काम से शहर से बाहर जाना या घर से जल्दी निकल जाने का मतलब है कि उन्हें किसी और से मिलने की उत्सुकता है। किसी और से प्यार होने पर सबसे ज़्यादा असर सेक्स संबंधों पर पड़ता है। पत्नी के साथ संबंध बनाने में वह कम दिलचस्पी दिखाने लगते हैं और पत्नी के कहने पर थका हुआ हूँ कहकर मुंह फेर कर सो जाते हैं। यही नहीं, अगर पति पत्नी के मायके जाने में रुचि दिखाए और पहले की तरह या ना कहे कि वह उसके बिना नहीं रह सकता या परेशानी हो जाएगी तो समझ ले कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। बेवजह पति चिड़चिड़े रहने लगे या अधिक चुप रहने लगे और आपसे बात करने में कतराएं तो भी संभव है कि उन्हें किसी से प्यार हो गया है। ये तमाम बातें इस बात का संकेत है कि पति महाशय किसी और को अपना दिल दे बैठे। ऐसे में आपकी थोड़ी सी समझदारी इन परिस्थितियों को बदलने में सार्थक सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे जितने संकेत बताए गए हैं ये संकेत इशारा करते हैं कि आपके पति किसी और लड़की के चक्कर में या किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुके हैं।
यहाँ पे सिर्फ संकेत बताए गए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बस यही कारण हो सकते हैं। संकेतों के माध्यम से आप जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई में ये जो संकेत है वो सही है या गलत है। बिना सोचे समझे सिर्फ संकेतों पे विश्वास करके काम ना करें, ये सलाह यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी। ये संकेत सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ ये हो रहा है और वो जानना चाहती हैं कि ये उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप कारण पे फोकस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो रियल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर वाकई में ऐसा संकेत मिल रहा है और यही सब चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपको उसमें आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी संकेत कुछ और कहते हैं और होता कुछ और है, तो ये आपको परखने की ज़रूरत है। खाली संकेतों के माध्यम से आप कोई भी जजमेंट ना लें। बहुत कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से भी दूसरी स्त्री से संबंध बन जाता है। घर वालों और समाज की वजह से अक्सर कुछ लोगों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। नौकरी हुई नहीं कि शादी कर दी जाती है। ऐसे लोग जब जिंदगी के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उन्हें ये लगने लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। ऐसे में जब उनकी मुलाकात किसी ऐसी महिला से होती है जो उनकी हर बात को पसंद करती है तो उनके बीच प्यार पनप जाता है, क्योंकि वह उससे पत्नी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। अब मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ समाधान के लिए निम्न बातों पर गौर करें। बेशक पति की बेवफाई के बाद आप उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन क्या आवेश में आकर तलाक जैसा कठिन निर्णय आपके परिवार के हित में होगा? ये निर्णय आपको करना है, लेकिन याद रखें इस निर्णय से जहाँ दो दिल अलग होंगे वहीं बच्चों की स्वाभाविक परवरिश भी प्रभावित होगी। किसी के प्रति आकर्षण होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस आकर्षण के चलते अपनी शादीशुदा जिंदगी को ताक पर रख देना बिल्कुल गलत है। हालांकि किसी भी बात को सही गलत ठहराने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उस बात की वजह क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर समय रहते उन कारणों को जान लिया जाए तो इस मुसीबत से पार पाया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादीशुदा जिंदगी में कलह होने की वजह से होते हैं, इसीलिए घर में शांति का वातावरण और आपसी प्यार को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। सेक्सुअल संतुष्टि ना मिलने पर भी पति का झुकाव पर स्त्री के प्रति हो जाता है, तो क्यों ना उनकी चाहतों को समझा जाए और अपनी इच्छाओं के बारे में भी बताया जाए। जहां पति और पत्नी के बीच एक दूसरे की मांगों को पूरा करने में असमर्थता आ जाती है वहां उनके रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है। अतः भरसक कोशिश करें कि ऐसी स्थिति ही ना बनने पाए। रिश्तों में खटास आने पर ही पुरुष दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित होता है। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी से खुश नहीं है तो उसकी आंखें किसी दूसरे पर हमेशा टिकी रहेंगी जो उसे समझ सके या उतना प्यार दे सके। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पति की भावनाओं को समझें और उन्हें भी अपने जज्बात से रूबरू कराएं, उन पर इतना प्यार लुटाएं कि वे आपके सिवा किसी और के बारे में सोच ही ना सकें। राह नहीं है आसान, वजह चाहे जो भी हो, पर अलग हो जाना इसका समाधान नहीं है। पति को ऐसे संबंध के परिणामों के बारे में झगड़े या धमकी से नहीं, प्यार से ही समझाएं। अपनी गलतियों का अवलोकन करें कि आखिर पति क्यों आपसे दूर रहने पर मजबूर हुए। उस दूसरी महिला के बारे में जानकारी हासिल करें और हो सके तो उससे मिलकर उसे भी समझाएं। पति का किसी और स्त्री से प्यार हो जाने की बात स्वीकारना या सहना आसान बात नहीं है। ऐसे में गुस्से में आप तुरंत उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगी, पर यह भी जान लें कि ऐसे संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। अतः बेहतर होगा कि धैर्य से काम ले। जब दूसरी स्त्री एक सोशल सिक्योरिटी और रिश्ते को नाम देने की मांग करेगी तो पति अपने परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने से पहले कई बार सोचेंगे। उस समय आपको उनका साथ देना होगा, ना कि ताने। अपने रिश्ते की मजबूती को थामे। आपको ही उस राह पर चलना होगा जो आसान बिल्कुल नहीं है, पर यकीन मानिए मंजिल मिलेगी ही। ध्यान रहे अपने प्यार व विश्वास से ही आप अपने पति को वापस पा सकेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह से बताया है, अगर आप थोड़ा धैर्य के साथ, शांति के साथ और इस पे अमल करके काम करेंगी तो हो सकता है कि आपके पति दूसरे लड़कियों से संबंध रखते हैं, लेकिन आपकी इतनी कोशिशों के बाद वह आपकी तरफ हो जाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने बताया है उन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाई होगी।
अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक जरूर कर दे, और अगर वीडियो के माध्यम से चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। अपने रिश्तेदार या दोस्तों को भी अगर इस वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।